जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके बीच सुधा बब्बर, दिल्ली से हूं मैं। और गुरु जी का जैसे कि आदेश हुआ आज का सत्संग मुझे शेयर करने के लिए, तो सभी संगत से अनुरोध करती हूं कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं बस थोड़ी सी देर मुझे आप देंगे, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग हो। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का। बहुत सारी संगत मुझे मैसेजेस कर रही थी, अपने कुछ क्वेश्चंस भेज रही थी। कुछ संगत बहुत नई जुड़ी हैं जिनको गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि कुछ आप बेसिक चीजें जो मंदिर में भी फॉलो होती हैं और कहीं ना कहीं हमें सत्संग में भी फॉलो करनी चाहिए, तो आप आंटी हमारे साथ शेयर करें। तो गुरु जी ने वही मुझे आदेश दिया कि वही सब चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला रूल जो गुरु जी महाराज को पसंद है वो है डिसिप्लिन, जो मंदिर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कई सारे संगत मुझे भेज रहे थे कि आंटी आंटी क्यों मैसेज करते हैं या क्यों बोलते हैं, तो संगत जी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये रूल है गुरु जी के मंदिर का, गुरु जी के सत्संग का, कि अगर कोई भी मेल है चाहे वो 5 साल को हो उसको अंकल बोला जाएगा, और अगर कोई 5 साल की बच्ची भी जाएगी तो उसको आंटी बोला जाएगा। गुरु जी ने ये ऐसा रूल क्यों बनाया, क्योंकि गुरु जी बोलते हैं सारे रिश्ते दुनिया के झूठे होते हैं, सिर्फ अंकल और आंटी एक ऐसा रिश्ता है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, ब्रदर सिस्टर हो। तो गुरु जी के मंदिर में सबको अंकल आंटी ही बोला जाता है, हर सेवादार के साथ, हर संगत के साथ। यही गुरु जी ने रूल शुरू से अप्लाई करवाया। दूसरी बात, अगर कहीं पर भी सत्संग होता है तो गुरु जी को सफाई बहुत पसंद होती है, और संगत जी आज के टाइम में घर घर में सत्संग हो रहे हैं, तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि गुरु जी महाराज के लिए आपके भाव कितने हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना खर्च कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आप कितने भाव से उनको बुला रहे हो। बहुत सारी संगत को मैंने देखा है अपने लिए तो नई नई ड्रेसेस लेते हैं और गुरुजी महाराज क्या पहन रहे हैं उनको कलर तक नहीं पता होते। तो छोटा सा भाव हमेशा सत्संग के लिए ये रखें कि गुरुजी के लिए छाप दिखाएं। वैसे तो अगर आज आप प्लान कर रहे हैं तो आपका 4 से 5 महीने बाद सत्संग होना चाहिए। इस दौरान आप गुरुजी से इतनी बातें करोगे, गुरुजी सत्संग हो रहा है आप क्या पहनोगे, क्या हम संगत को खिलाएं, हम किस तरीके से सत्संग को अरेंज करें, तो ये सब बातें आपको कोऑर्डिनेशन में गुरुजी महाराज खुद ही जवाब दे देंगे। तो कई चीजें मुझसे पूछी गई कि कैसे गुरुजी आदेश करते हैं, तो जो आपकी इनर वॉइस होती है वही गुरुजी का आदेश होता है। जो फर्स्ट थॉट आपके मन में आता है उसी को बोला जाता है कि गुरुजी का आदेश है एक्चुअली में, और वो तभी बेनिफिशियल हो पाता है जब आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से लगाएंगे। बहुत सारी संगत अंकल आंटीज को ढूंढ रही हैं या गुरुजी से जैसे फर्स्ट इंप्रेशन में जुड़ भी रही हैं तो फॉलो कर रही हैं। फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में आप मेरे साथ या किसी और संगत के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई है प्लीज, क्योंकि आपका खुद की एक जर्नी है जो गुरुजी महाराज ने सिलेक्ट की है। जिस तरीके से हमें अपने कर्मों का हिसाब करना है, हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, वी हैव टू आंसर आर कर्मास, तो उसी तरीके से आपको जो भी करना है आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी खुद तय करनी है, क्योंकि गुरुजी महाराज फिजिकल रूप में हमारे बीच में नहीं है। गुरुजी का बर्थ 7 जुलाई 1952 को पंजाब के डुगरी शहर में हुआ था। उसके बाद गुरुजी धीरे धीरे संगत के साथ दिल्ली में मूव ऑन हुए, लेकिन उनकी जो समाधि है वो गुरुजी ने यही छतरपुर बड़े मंदिर में ही बनवाई, और वहां पे लाइक 31 मई 2007 में गुरुजी ने समाधि ली, और उसके बाद वो समाधि वहीं पे है बड़े मंदिर में। जब हम कभी जाते हैं तो कई बार उसमें हमें रोटेट करने के लिए भी गुरुजी का आज्ञा होती है, तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट कनेक्शन के साथ जुड़ना है। और गुरुजी महाराज हर सत्संग में आते हैं, जी हाँ, क्योंकि ये हमारे साथ एक स्पिरिचुअल सोल की तरह रहते हैं, संगत को ब्लेस करने आते हैं। कहीं ओम दर्शन होते हैं, कहीं ओंकार होता है, कहीं कोई कहता है कि अमृत वर्षा हो गई, वो गुरुजी के अपने अपने ब्लेस करने के तरीके हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, किसी भी आप वहम में नहीं पड़े, क्योंकि गुरुजी का हमेशा एक ही आंसर रहा है हम संगत के लिए कि वहमों में नहीं पड़ो, जो कुछ हूं वो मैं हूं। बहुत सारी नई संगत जिनको कुछ पता नहीं होता, कुछ अंकल आंटीज होते हैं, कुछ लोगों ने सत्संग को प्रोफेशन भी बना लिया, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, प्लीज इन सब में मत पड़े। जितना सिंपल आप सत्संग को रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, उतना गुरुजी खुश होते हैं। और जिसको जितना पॉकेट में दिया है हमें सत्संग में उतना ही खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा 4 सब्जी बना के करेगा तो गुरुजी बहुत खुश हो जाएंगे, या बहुत बड़ी लाखों की फूलों की डेकोरेशन होगी तो गुरुजी खुश होंगे, ऐसा नहीं है। तो संगत जी, जितना आप सिंपल सत्संग को रखेंगे उतना ही गुरुजी का लाइक भाव जुड़ता है आपसे, और आप उतना गुरुजी के साथ जुड़ सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो पीछे भी गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, और गुरुजी ने यही मुझे आदेश दिया, क्योंकि अगर पाठ पूजा के नाम पे बोलूं तो मैं सच बताऊं मैं कोई पाठ पूजा नहीं करती, कोई मेरा धूप बत्ती का नियम नहीं है किसी भी चीज का। और
कहने को अगर पाठ पूजा जो गुरुजी के अकॉर्डिंग है मैं 24 घंटे करती हूँ, वो है मेरे गुरु का नाम। तो गुरु की टीचिंग्स को फॉलो करना और कहीं ना कहीं हमें गुरुजी के साथ अटैच होके चलना, कहीं ना कहीं किसी का बुरा नहीं सोचना, ये सबसे पहले गुरुजी के प्रीचेस रहे हैं। सर्वत का भला मांगना जो हमें बानी से भी मिलता है, और बानी के ही कहीं ना कहीं यदि बोलूं कि रूल्स को फॉलो करने के लिए गुरुजी का आदेश हुआ है। मंदिर में भी जब हम जाते हैं तो हमें वाणी ही चलती हुई सुनाई देती है, और उसी में जो हमारी मनोकामना होती है वो कहीं ना कहीं गुरुजी सुन रहे होते हैं, हमारे मन की सारी परिभाषा गुरुजी सुन रहे होते हैं। तो कई संगत ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी भेजे हैं, मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे मैं डिस्कस कर पाऊं, और मैंने लिखे हैं अपने पास क्योंकि भूल जाती हूं। तो गुरुजी ने लाइफ को बेटर और बेटर करना है तो सबसे बड़ी बात एक्शन हमें खुद लेना है। गुरुजी हमें अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं, जब हम शुरू शुरू में जुड़ते हैं तो गुरुजी महाराज हमारे साथ इस तरीके से जुड़ते हैं कि सब कुछ तेरे लिए मैं हूं। फिर वो उसके बाद थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी आती है, ऐसा लगता है जैसे हमसे गुरुजी दूर हो रहे हैं, लेकिन संगत जी वो सच में हमारी परीक्षा होती है कि हम अपने गुरु को कितना पूछ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम देंगे नहीं हमें लौट के मिलेगा नहीं। हम सब कुछ रब से चाहते हैं, चाहे आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, चाहे माता रानी को मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं। गुरुजी ने नहीं बोला कि आप इन सबको छोड़ो, गुरुजी ने उन सबके साथ ही आपको जोड़ा है। अगर ऑलरेडी किसी गुरु का नाम दान किसी ने ले रखा है तब भी गुरुजी महाराज ने कभी ये नहीं बोला, क्योंकि ही इज फ्रॉम ओम लाइट एक्चुअली। तो हमें गुरुजी ने उन सबके साथ जोड़ के ही हमें आगे बढ़ने के लिए बोला है। और गुरुजी का जो एक मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये अगर किसी के पास नाम दान नहीं है आप इसको ऐसे नाम दान समझ सकते हैं। जितना जाप करेंगे उतना आपका इनर वॉइस बिल्डअप होती है, उतना आप इनर वर्ल्ड को अपने पहचान सकते हो। सबसे बड़ी बात जो पीछे भी मैंने मेडिटेशन के लिए लिंक शेयर किया था, बहुत सारी संगत उससे जुड़ी और बहुत सारी संगत को फर्क पड़ा एक्चुअल में मेडिटेशन है क्या और हम एक्चुअल में गुरुजी से कैसे जोड़ सकते हैं। कहीं पे भी आप बैठते हैं कोशिश करें एक लंबा ओम का उच्चारण करें, 2 मिनट 5 मिनट। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी यूट्यूब का, उसके ऊपर आपको बिल्कुल इजीली 10 मिनट्स का ओम का ही उच्चारण है सिर्फ, जिसको आप ऑडियो में कनेक्ट करके जैसे वो बोल रहे हैं वैसे आप साथ साथ बोल सकते हैं। उस 10 मिनट के अंदर भी आप अपने अंदर धीरे 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 चेंज लाना शुरू करेंगे। यदि मैं बोलूं कई लोगों के पास जिनको रोटी बनानी नहीं आती, क्या रोटी बनानी मुश्किल है? तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत मुश्किल है, और जिनको बनानी आती है उनके लिए बहुत ईजी है। और ऐसे बोलूं अगर गाड़ी चलानी आती है तो जिनको आती है उनके लिए बहुत ईजी है, और जिनको नहीं आती उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसी तरीके से होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है अपने आप को पहचानना। जैसे हम रोज नहाते हैं, अपने घर के रूटीन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरीके से वो हमारी आउटर वर्ल्ड की सफाई होती है। हमें अपने इनर वर्ल्ड को भी साफ रखना बहुत जरूरी है। तो संगत जी उसी कनेक्शन के साथ हमें गुरुजी ने जोड़ा, उन्हीं चीजों को हमें आगे बढ़ना सिखाया, और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। थोड़ा सा एक अंकल का मेरे पास फोन आया था और स्पेशली उन्होंने इस चीज को मुझे मेंशन करने के लिए बोला कि आंटी बहुत सारे सेवादार जो अलग अलग सत्संग में कहीं भी सेवा कर रहे हैं बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले बोलूंगी ईगो किस चीज की, ये तो गुरुजी का भी मैसेज है, मेरे मन कभी मान ना करी नीवी अनु फल लग दे। तो जब पेड़ भी होता है उस पर फल होता है तो वो पेड़ भी झुका होता है, तो हम किस चीज का अहंकार करेंगे? अगर हम सच में अहंकार करेंगे तो हम गुरु से जुड़ ही नहीं पाएंगे। प्रायोरिटी दो सिर्फ गुरुजी महाराज को, किसी भी सेवादार को, किसी भी मुझे या किसी और ऐसी संगत को जिसके सत्संग से आप इम्प्रेस हो रहे हो और फिर भी आप उनकी तरफ झुकाव में जा रहे हो, तो ये मत सोचो कि हमें सब कुछ वहीं मिलेगा। हम भी कनेक्टेड गुरुजी से ही हैं। जब डायरेक्ट वो हमें दे सकते हैं तो डायरेक्ट वो डेफिनेटली आपको भी दे सकते हैं। तो अपनी जर्नी को इतना सिंपल रखिए आप कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो बात करनी है गुरुजी महाराज से आप डायरेक्ट कनेक्शन करके करिए। आप कहीं पे भी हो, आप जो नहीं मानते गुरुजी को अभी भी, तो आप आंख बंद करके किसी भी प्रॉब्लम में हो, जब दुनिया के सब रास्ते बंद हो जाते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए बोलना गुरुजी प्लीज हेल्प मी, और आप उस दिन के बाद देखेंगे आपका रीबर्थ हो गया। उस दिन के बाद आप गुरुजी पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको विश्वास तो हो गया, क्या आपकी एक जो राइट है गुरुजी के ऊपर कि आपको विश्वास हो गया, तो क्या उस राइट के साथ आपकी ड्यूटी नहीं है? बिल्कुल है। जैसे राइट और ड्यूटी हमारे घर के प्रति होती है कि हमारा घर है, तो हमारी ये ड्यूटी भी होती है कि हमें उस घर में साफ सफाई रखनी है, उसी तरीके से हमारे गुरुजी के प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं। वो ड्यूटीज क्या होती है? उनके वचनों को फॉलो करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, सर्वत के लिए भला बोलना,
और सबके लिए अच्छी वाइब्रेशंस भेजना, यही गुरुजी ने हमें सिखाया है। और अगर आप मंदिर में भी जाते हैं यही सब चीजें मिलती हैं। अगर कुछ मंदिर के सेवादार हैं भी जो थोड़े से इग्विस्टिक हैं, तो मुझे जो गुरुजी ने मैसेज दिया वही मैं आपको देती हूँ। एक बार एक अंकल को मैंने भेजा मंदिर में, और बहुत ज्यादा वहां पे लाइक रश हो गया था और शादियों का थोड़ा सा रास्ता था, तो अंकल लेट पहुंचे, जस्ट 5 मिनट्स, 10 बजे मंदिर बंद हो गया था। और अंकल वहां पे खड़े ही हुए थे गेट पे, उन्होंने सेवादार को बोला, गेट कीपर को, कि आप प्लीज मुझे जाने दो, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बहुत दूर से और 3 घंटे से मैं ट्रैफिक जाम में था। आप यकीन मानना, उन सेवादार ने अंकल को अंदर नहीं जाने दिया। और ठीक है, रूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और किसी VIP के लिए भी। अब 5 मिनट बाद जब वो बाहर ही खड़े हुए थे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था, वो तो गुरुद्वारे से जुड़े हुए थे, ये बातचीत उन्होंने मुझे बाद में आके शेयर की। अब 5 मिनट बाद वो क्या देखते हैं कि कोई VIP एंट्री हुई और साइड का डोर खुला और उनको अंदर जाना अलाउ हो गया। अब यहां आके तकलीफ होती है कि वो अंकल ने कहा आज के बाद मैं यहां नहीं आऊंगा मंदिर, हालांकि मैंने उनको बहुत कन्विंस करके दोबारा भी भेज दिया वहां पे। बट वहां सेवादार अपने लिए VIP एंट्री क्यों ढूंढते हैं, संगत क्यों VIP एंट्री ढूंढती है? ठीक है, अब ये सवाल मेरा गुरुजी से था कि गुरुजी आपके मंदिर में भी ये चीजें शुरू हो गई? तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर आंसर दिया मुझे, जो मैं आपसे शेयर करूंगी। जैसे सागर मंथन होता है, सागर मंथन होते ही सब चीजें बटी। ठीक है, हमारे भोले बाबा ने विश लिया, बहुत कुछ जो अलग अलग जिसकी जो जो चॉइस थी उन्होंने ले लिया। इसी तरीके से गुरुजी महाराज ने मंदिर में भी पॉलिटिक्स भी रखी हैं, ब्लेसिंग्स भी रखी हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी रखी है, और हर तरीके की चीजें हैं वहां पे। अगर आपको यश चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आपको क्या चीज चाहिए, अब गुरुजी का यही मेरे लिए आंसर था, तुझे क्या चाहिए वो तुझे देखना है। उस दिन के बाद मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने कहा गुरुजी हम तो आपसे मिलने आते हैं और हम आपसे मिलके चले जाते हैं, मंदिर में क्या हो रहा है, किसी और जगह क्या हो रहा है, ठीक है हम लोग उस चीज में नहीं बोल सकते, ना उतना डीपली मुझे जाना है, लेकिन आप एक्चुअली मंदिर में लेने क्या जा रहे हो, आपको क्या चाहिए, गुरुजी आपको वो देते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चाहिए, आप पॉलिटिक्स लीजिए, कहीं ना कहीं हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, हम ब्लेसिंग्स लेके आ जाते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि जो हम बो रहे हैं वही हम पा रहे हैं, और वही हम जो आज बोएंगे वही हमारा फ्यूचर है और वही हम उसको काटेंगे। तो कहीं ना कहीं जो धीरे 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 स्टेप ऑन करते करते गुरुजी से बातचीत करके ही मुझे अपने सवालों के जवाब मिले, और वही बातचीत आपको मिल सकती है। आप डायरेक्ट कनेक्शन लगाएं गुरुजी से, किसी भी मीडिएटर को मत ढूंढें। और पीछे भी एक आंटी का मेरे पास कॉल आया था, तो एक तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट सब संगत से करूंगी, प्लीज मुझे डायरेक्ट कॉल मत किया करिए। आपका कोई भी सवाल है, मैं सिर्फ माध्यम हूं, आप वॉइस अपना ऑडियो भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी मैं आपको ऑडियो मैसेज पे ही जवाब दूं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी रूटीन इस तरीके से होता है कि मैं हर कॉल को अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे कि प्लीज मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मोस्ट वेलकम। वो मेरे गुरु ने मुझे सेवा दी है, मैं उस सेवा को नहीं झुठला सकती। आपकी सेवा में अगर उन्होंने मुझे रखा है तो मैं डेफिनेटली उसको कोशिश करूंगी, जितना मुझ में समझ है, जितना इनका हुक्म है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो काम आपके लिए जरूर कर सकूं। लेकिन मुझे आप वॉइस मैसेज ही भेजेंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो एक आंटी का मेरे पास आया कॉल कि हम लोग ऐसे से कहीं दिल्ली से बाहर रहते हैं और कुछ आंटी वहां जुड़ी, जैसे थोड़ा सा टाइम तो हो गया था, कुछ सत्संग ऑर्गेनाइज करने शुरू किए उन्होंने। तो ठीक है, हो जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आप अरेंज कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई, फिर कहीं ना कहीं कमेटियों में शुरू हो गए, फिर घर में आना जाना बहुत इंट्रैक्शन शुरू हो गई, फैमिली एक दूसरे की डिस्टर्ब। तो प्लीज स्टॉप दिस, छोटी सी रिक्वेस्ट, किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, सत्संग को बहुत ज्यादा उलझाओ नहीं। आपका भाव सत्संग करने का है, आप गुरुजी महाराज की गद्दी लगा सकते हो तो मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको इस गुरुजी महाराज की जो गद्दी में एंड में आपको जरूर दर्शन कराऊंगी कि गुरुजी ने मुझे कैसे भाव रूप में दर्शन दिए, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैं बहुत ज्यादा नियम पालन नहीं कर सकती, मेरा रूटीन बहुत बिजी है गुरुजी, मैं क्या करूं, कि ना तो मैं 3 टाइम का आपको भोग लगा सकती हूँ, क्योंकि जिन्होंने गद्दी विराजित कर रखी है उसमें पूरा नियम पालन करना जरूरी होता है। जिस तरीके से आप कुछ भी खा रहे हो वो आपको भोग लगाना जरूरी होता है, जैसे आप लड्डू गोपाल जी को लाते हो। लेकिन हाँ, गुरुजी के लंगर में, गुरुजी के मंदिर में कहीं पे भी प्याज और लहसुन का वहम नहीं होता। इवन नरातों में भी अगर आप जाते हो तो वहां प्याज अवॉइड नहीं होता। तो ये कई संगत ने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो मैंने उसी के लिए सोचा कि आपको बता दूं। तो आप प्याज और लहसुन कैसे भी खा सकते हो, नरातों में भी डेफिनेटली वहां मंदिर में यूज होता है, लंगर प्रसाद में। तो कहीं पे भी गुरुजी ने वहम नाम की चीज नहीं रखी हमारी लाइफ में, बस एक चंगा इंसान बनो, ये मैसेज हमेशा मिलता है। जो मैंने दिया, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स, क्योंकि हमें अपने कर्म अनुसार ही सब कुछ मिल रहा है और हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलना है। तो कहीं ना कहीं हमें उन चीजों से जुड़ना है जो हमारी लाइफ के लिए अच्छा है।
अब एक संगत मुझे ऐसी भी मिली जिन्होंने बोला कि भी हम गुरुजी से जुड़े और हमें तो ऐसा लगा गुरुजी ने हमें कुछ नहीं दिया। तो मेरा एक ही सवाल था कि तुमने गुरु के लिए क्या किया? दिन भर तो बैठ के सास बहू की चुगलियां करो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि गुरु आपके साथ रहे। दो चार से गुरुजी ने हमेशा बोला है दूर रहने के लिए। एक चार चुगली जो आपके कर्म खराब करती है, एक चार चावल जो आपका शरीर खराब करती है। तो ये चावल का भोग गुरुजी के मंदिर में भी नहीं लगता, कभी भी लंगर प्रसाद में चावल नहीं होता। लंगर प्रसाद में एक सूखी सब्जी, एक तरी वाली कोई भी दाल सब्जी राजमा वट एवर यू वॉन्ट, और एक हरी चटनी जो गुरुजी महाराज को बहुत पसंद है, और साथ में हलवा प्रसाद। अगर सावन वगैरह होता है तो खीर का भोग लगता है, और साथ में दो रोटी प्रसाद। अगर आपको तीसरे की इच्छा होगी तो हाथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो दवाई है आपकी। कितनी आपके अंदर जानी है उतना गुरुजी को मालूम है। तो उतना सबको मिलता है, इक्वल मिलता है, कोई वहां पे वीआईपी लंगर नहीं होता। चार की थाली में शेयर किया जाता है, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनको ऊपर चेयर पे इंडिविजुअल थाली मिल जाती है। अभी लॉकडाउन की वजह से सब चीजें चेंज हुई हैं, तो अभी वो सब चीजों को हम कंसिडरेशन में नहीं लाएंगे। धीरे धीरे वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो वापस यही सब रूल्स वहां पे शुरू हो जाएंगे। तो अभी आजकल जो भी मंदिर जाना चाहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उनको पास के थ्रू एंट्री मिल रही है। उस पास के लिए एक कंडीशन है, अगर आपको मंदिर जाना है 20 साल से नीचे और 60 साल से ऊपर कोई भी संगत वहां नहीं जा पाएगी। तो कोशिश करें कि आप जब भी अपॉइंटमेंट बुक करें उस पर कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप उस कंडीशंस को फॉलो करें। और डेफिनेटली गुरुजी के मंदिर में हमेशा फोन बंद करने के इंस्ट्रक्शंस हैं, और यही चीज आपको सेम सत्संग में भी अप्लाई करनी है। फोन पे अगर हम 2 घंटे भगवान को नहीं दे सकते 24 घंटे में से, वो भी हम कभी कभी जा रहे हैं, हम रोज तो मंदिर या सत्संग में नहीं जाते, तो हम जब भी भगवान के दर पे जा रहे हैं कम से कम 2 घंटे को ऐसे होने चाहिए कि जो वो क्वालिटी टाइम दे आपको। ये नहीं कि उस टाइम पे भी आप गॉसिपिंग कर रहे हो और बस लगे हुए हो। एक्चुअली में सत्संग के टाइम पे भी सिर ढकना जरूरी होता है। बहुत सी संगत नहीं करती, मंदिर में भी नहीं बोला जाता, लेकिन अगर एक्चुअल में देखो गुरबानी के समक्ष गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं। जैसे हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो सिर ढक के आपको बोला जाता है कि आप रहिए, क्यों? इट्स अ रिस्पेक्ट, ठीक है। और यदि मैं बात करती हूँ, एक एग्जांपल मुझे याद आया, एक बार ना मुसलमानों ने बोला कि हमारे धर्म को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, और यही बात सरदार जी को बोली गई कि हमारे धर्म को इम्पोर्टेंस। तो ये केस चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट में जज के लिए बहुत मुश्किल था डिसाइड करना कि भी मैं किसको ज्यादा बोलूं। तो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, अपने अपने धर्म को आप लेके आइए। तो कोर्ट में पेशी थी, और जिस दिन कोई आए वो, तो उन्होंने अपने कुरान शरीफ को लेके आया, जैसे सिंपली लेके आते हैं, और आगे जज साहब के प्रेजेंट कर दिया। और सेम चीज जब बीट साहब को लेके आए सामने, गुरबानी जी को बोला गया, तो उसमें कहीं ना कहीं जब लेके आए तो पहले वही क्या था कि पूरा सड़क पे झाड़ू लगाया गया, सबके कोर्ट के अंदर सिर ढकवाए गए, फिर उनको प्रेजेंट किया गया। तो कहने का मतलब है हम कितनी रिस्पेक्ट देते हैं उतना ही सामने वाला देता है। तो सेम चीज आती है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा। मेरे लिए गुरु का मैसेज यही था कि सत्संग में हमेशा तो उन्हें सिर ढक के रहना, तो डेफिनेटली मैं हमेशा सिर ढक के ही रहती हूँ। उसका एक रीजन और है, हमारा यहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जो हमारा आज्ञा चक्र से कनेक्टेड होता है। अगर आप देखें छोटे बच्चे का तालू बहुत वीक होता है, और यहाँ छूने पे बिल्कुल सॉफ्ट फील होता है, और 40 दिन तक वो बच्चे को अपना पिछला जन्म याद भी होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन यहीं से है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक एनर्जी सेंटर है, कहीं भी कुछ भी बाहर नहीं है। एक बिली सिस्टम बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर मैं आपको बोलूं एक सिंपल ग्लास ऑफ वाटर लेके कि ये आपको कहीं ना कहीं गंगा जी का जल है, या कहीं ना कहीं गुरु जी का जल प्रसाद है, और आप वही उसी भाव से पीते हो, तो डेफिनेटली आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा बिलीव सिस्टम काम कर रहा है तो डेफिनेटली हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और अपना बिलीव सिस्टम हमने सिर्फ गुरुजी को दे रखा है। जितने भी गुरुजी वाले हैं, एक चीज का ध्यान रखिए, हम गुरुजी वाले हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने गुरु के नाम के साथ उनको रिस्पेक्ट दें, औरों के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल, आज हम सत्संग कर रहे हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रही हूँ, कल मैं अपनी गली में किसी से लड़ाई कर रही हूँ, इट्स नॉट फेयर। वो कहेंगे यही है गुरुजी वाले। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरु के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है, हमें उस नाम की इज्जत करनी है, हमें अपने गुरु के नाम के साथ रिस्पेक्ट रखनी है। वट एवर वी आर डूइंग, हमारे साथ हमारे गुरु जी का नाम जुड़ा हुआ है, और वही लोग बोलेंगे कि ऐसे होते हैं गुरु जी वाले। तो मिसाल बन के रहिए कि हमारे गुरु जी ने हमें क्या सिखाया एग्जैक्टली। अगर आप चाहते हो कि आपके गुरु जी का नाम आपके साथ जुड़ा रहे, और हम क्या कर रहे हैं उस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने घर के रिलेशन को ठीक करिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गुरुजी एक चीज बोलते हैं, अगर तुम मानते हो, कोई घर में माने या ना माने,
अगर तुम मानते हो तो तुम्हें मैं हर टाइम देख रहा हूँ, देख मैं सबको रहा हूँ, लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, सपोज एग्जाम्पल अगर किसी मॉल में सीसीटीवी कैमरा लगा है तो चोर जो होता है ना वो थोड़ा सा और अलर्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमारे ऊपर हमारे गुरु के सीसीटीवी कैमरा हर टाइम है, हमें उस कर्मों को ध्यान में रखना है क्योंकि वो हर टाइम हमें देख रहे हैं। तो क्यों हम अलर्ट हो जाते हैं कैमरे को देख के? सिर्फ इसलिए कि हमें कोई देख रहा है। तो हमारे गुरु ने जब हमें देखना शुरू किया तो हम उनको पाना चाहते हैं। एक्चुअल हमारी जो जर्नी होती है लाइफ की वो यही होती है कि हमें मोक्ष तक जाना है, हमें आगे अपनी गति करानी है। कहीं ना कहीं हम उलझे हुए अपनी फैमिलीज में। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने नहीं बोला, गुरुजी कहते हैं पहले अपना घर देखो फिर मेरे पास आओ, पहले अपने मन मंदिर में कोशिश करूंगी, पांच मंदिर के डिस्कशन में अगले सत्संग में लूं, मन मंदिर, तन मंदिर, बड़ा मंदिर, घर मंदिर। तो गुरुजी ने बहुत सारे मंदिर एक्सप्लेन कर रखे हैं। और कहीं ना कहीं अपने मन मंदिर को साफ करना है। हमारा मन का बर्तन बहुत गंदा है, भरा हुआ है विकारों से, नेगेटिविटी से, औरों की ईर्ष्या से। जब हम गुरुजी के पास सीढ़ियां भी चढ़ते हैं गुरुजी के मंदिर में, तो गुरुजी ने ये बात बोली है कि पांच अपने अहंकार छोड़ के आओ वहां पे, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या, ता मेरे दर्दें आई। तो वो हमें छोड़नी है। आज हम कहते हैं अच्छा नहीं उसने मुझे ये कह दिया, अच्छा नहीं उसने मुझे ये कह दिया, हमने कहां अपनी ईगो को छोड़ा? तो कहीं ना कहीं हमें ई को छोड़नी बहुत जरूरी है। जैसे ही हम ई छोड़ देंगे तो हम गो हो जाएंगे, हमारी लाइफ में प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला हर टाइम हमें देख रहा है। तो कहीं ना कहीं संगत जी मैं कोशिश करूंगी आपके आने वाले टाइम में आपके साथ सहयोग कर सकूं, कुछ एक क्षण भर भी अगर आप मेरी बातों से इम्प्रेस होते हैं और कहीं ना कहीं अगर गुरुजी से जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की लॉ आपको मिल जाती है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। और बहुत 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 शुक्राना करती हूँ क्योंकि आज मैं जो हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। बहुत मेरी लाइफ के सत्संग हैं, मेरी बिटिया को गुरुजी ने लंदन भेजा 2019 में, कैसे भेजा मैं कोशिश करूंगी मैं जल्दी शेयर करूं। और बहुत सारी चीजें लाइफ में हुई, ये प्रोफेशन में मुझे गुरुजी ने कैसे डाला, न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिया जो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। और बहुत सारी संगत मुझे मैसेज करती है कि आंटी ये कैसे हुआ, क्योंकि गुरुजी एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, स्टोन्स को नहीं मानते। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन चीजों को आपसे शेयर करूं, और टाइम बहुत ज्यादा ले रही हूं इस चीज के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन डेफिनेटली गुरुजी के आगे अरदास है। और कहीं ना कहीं कहती हूँ गुरुजी प्लीज हील ऑल द वर्ल्ड, बहुत सारी ब्लेसिंग्स की जरूरत है आपको। हो सकता है किसी के रिलेशंस में, कहीं ना कहीं मनी सेक्टर में, किसी को घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये दुनियावी चीजें हैं। एक बार एक अंकल को कैंसर था, उन्होंने माथा टेका गुरुजी के आगे और उसने गुरुजी ने बोला कि 10 तेनों की चाहिए। तो अंकल ने बोला गुरुजी मेरा कैंसर ठीक कर दो। तो गुरुजी ने कहा बस मैं तो पता नहीं की वर्णन आया सी, तू तो कैंसर है, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। आज हमें कैंसर नहीं है, हम क्या मांग रहे हैं, इस चीज को सोचना बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। व्हाट वी आर डूइंग, रब को रब से मांग लो सब मिल जाएगा। इस छोटी सी स्टेटमेंट में अगर आपको बहुत कुछ समझ आ गया हो तो डेफिनेटली आज से और अभी से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। रब को रब से मांग लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपकी बाह पकड़े रखेंगे गुरु जी। एक बार किसी ने पैर दबा रहे थे संगत जी, और गुरुजी ने बोला कि ले मेरा हाथ फाड़ ला अंकल, ऐसे हाथ आगे करके पैर दबा रहे थे अंकल। तो अंकल ने हाथ नहीं पकड़ा, गुरुजी ने फिर बोला अंकल मेरा हाथ फाड़ ला है। तो अंकल ने हाथ नहीं पकड़ा, फिर तीसरी बार गुरुजी महाराज ने बोला, उन्होंने नहीं पकड़ा। तो गुरुजी कहने लोग तो मेरा हाथ पकड़ने तरस देने, तू क्यों मेरा हाथ फड़दा पे? तो अंकल ने बहुत सुंदर जवाब दिया, गुरुजी मैं आपका हाथ छोड़ दूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो अपना हाथ हमें गुरुजी को पकड़ाना है, डेफिनेटली हम छोड़ देंगे क्योंकि हम खुशियों में गुम हो जाएंगे। गम में तो बहुत सारे लोग याद करते हैं, खुशियों में हर कोई याद नहीं करता। बट गुरुजी का शुक्राना करके बहुत सारी संगत गुरुजी को अपनी खुशियों में, हर दिन त्योहार में, हर वक्त याद रखने की कोशिश करती है, और वही बाह इन्होंने हमें पकड़ाई है। और गुरुजी के महाराज के आगे अरदास है मेरी कि हर संगत की बाह पकड़े रखो, कोई भी सेवादार अगर भटक रहा है तो उसको सही राह दिखाओ, और अगर आपने सच में उनको सेवा बख्शी है तो एक्चुअल सेवा का मतलब समझें कि हमारी सेवा गुरु तक पहुंच रही है। और गुरुजी कहते हैं मैं अपनी संगत में हूं, गुरुजी कहीं अलग नहीं है, अपनी संगत में है। तो कहीं भी सत्संग कराएं सबसे पहले उनका कंफर्ट जोन देखें। एक बार कहीं मेरी सत्संग की सेवा लगी तो वहां उन्होंने गली के बाहर टेंट बिछा रखा था, और वो गली ना बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ थी। तो सबसे पहले मेरे मन में यही आया कि अगर यहां संगत बैठेगी तो उनको तो चुभेगा। तो छोटा सा एग्जाम्पल था ये कि कंफर्ट जोन किस तरीके से हम संगत के लिए सोच सकते हैं। वही छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखें, ये नहीं सोचें कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, और कोशिश करें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन लगाएं, और कहीं भी किसी से कुछ जुड़ने की फालतू जरूरत नहीं है। जय गुरुजी।